आपका छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त मिल रही बड़ी खबर से, और बड़ी खबर मिल रही है दंतेवाड़ा से, जहां पर नक्सलियों द्वारा ग्रामीणों की हत्या की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पेरपा गांव में लाश पड़ी मिली है। ग्रामीणों ने थाने में सूचना दी, किरंदुल पुलिस घटनास्थल के लिए रवाना हो गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर दंतेवाड़ा से, जहाँ पर नक्सलियों के द्वारा एक ग्रामीण की हत्या कर दी गई। पुलिस मौके पर पहुंच रही है, सूचना ग्रामीणों द्वारा पुलिस को दे दी गई है। पेरपा गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक ग्रामीण की नक्सलियों ने हत्या कर दी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। कौन है ग्रामीण अभी तक इस चीज का हालांकि पता नहीं चल सका है, लेकिन नक्सलियों द्वारा यह हत्या की वारदात यहां पर सामने आ रही है, जहां पर नक्सलियों ने एक ग्रामीण की हत्या कर दी। तो ज्यादा जानकारी के लिए दंतेवाड़ा से हमारे साथ हमारे संवाददाता पंकज फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है, कब कब और कैसे हुई घटना? बता दूं मैं आपको कि किरंदुल थाना क्षेत्र के पेरवा चौक में लाश मिली है, और लाश के पास में नक्सली में पर्चे भी कुछ फेंके हुए हैं, जिसमें कुछ पर्चों में चुनाव का विरोध लिखा हुआ है, और पर्चे में मृतक की शिनाख्त बुधराम साठी चंपल गांव के नाम से की गई है, और हत्या का कारण उन्होंने पुलिस मुखबिरी का आरोप लगाया है। ये पहली हत्या नहीं है, इस समय दंतेवाड़ा में उपचुनाव चल रहा है और माहौल की सरगर्मी को देखते हुए ये तीसरी हत्या है बीते पखवाड़े भर में। इससे पहले भी उन्होंने गुडरा कुआकोंडा थाना क्षेत्र के छोटे गुडरा के सरपंच की हत्या कर दी थी, फिर इसी किरंदुल थाना क्षेत्र के एतार पाइपलाइन। बहुत शुक्रिया आपने जानकारी को साझा करने के लिए। तो मुखबिरी की शक में नक्सलियों ने ग्रामीण की हत्या कर दी है, पुलिस पहुंच चुकी है और शिनाख्त भी ग्रामीण की कर ली गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल